हमने गांधी के अपने प्रयास को समझा ही नहीं, क्योंकि गांधी जो है वो उसकी जो पहचान है महात्मा की या गांधी की, उस पहचान से कहीं पहले वो मोहन है। और मोहन एक ऐसा लड़का है जिसको हम बचपन से देखते हैं, और वही हमको देखना है बचपन से, कि मोहन जो एक ऐसा बच्चा है जो अपने आप से सवाल करता रहता है, माँ की बहुत भक्ति करता है, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि वो घर पे जो सफाई करने के लिए आदमी आता है उका, उसको वो छू क्यों नहीं सकता, उससे भ्रष्ट क्यों हो जाता है। तो अपनी माँ से पूछता है कि अरे माँ, तुम तो मुझे समझा रही हो कि हर एक आदमी में जो है, आप ही कहती हो जले विष्णु थले विष्णु, तो हर एक में विष्णु है, तो उका में विष्णु नहीं है क्या? उससे जो अपना चरित्र पैदा करना था, यही बात जो है इस युवा की, पढ़ लिख करके वापस आ रहा है, बैरिस्ट्री पास कर ली है, बैरिस्ट्री पास करके आ रहा है, और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं चल रही है, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा कोई वकालत करने वाला, आर्ग्यू करने वाला ऐसा तो ये कुछ नहीं था, खड़ा होकर के बोल भी नहीं सकता था, थ्री पीस सूट पहना हुआ है। दादा अब्दुल्ला को कहता है मुझे प्रिटोरिया जाना है, मेरी फर्स्ट क्लास की टिकट कटवाओ, मैं क्यों शादी क्लास में जाऊँगा। और बैठा है ये फर्स्ट क्लास के अंदर, और उस समय जो है वो रात को जब पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन आता है, तब कोई अंग्रेज़ आता है, गोरा आता है, देखता है कि कोई रंगीन बैठा हुआ है, काला बैठा हुआ है, तो रेलवे ऑफिशियल को पकड़ के लाता है, वो कहता है कि यू विल हैव टू गेट डाउन, ही सेड आई हैव ए फर्स्ट क्लास टिकट, डजंट मैटर, यू शुड गेट डाउन एंड गो टू द थर्ड क्लास, आई विल नॉट गेट डाउन, इफ यू डोंट गेट डाउन आई विल हैव टू थ्रो यू आउट, यू डू वॉट यू वॉन्ट, आई हैव ए टिकट एंड आई एम गोइंग टू सिट देयर। ये जो चरित्र की उसकी मजबूती है, और उसको जब फेंक दिया जाता है, तब वो जाकर के ये समझ रहा है कि किस तरह से समाज में रिजेक्शन हो रहा है, हाउ यू आर बीइंग रिजेक्टेड, हाउ यू आर बिकमिंग ऑलमोस्ट अनटचेबल, इट्स रेशियल बट द फीलिंग इज द सेम। It was in South Africa that Satyagraha was molded into a weapon of protest. It was in Phoenix Farm that Gandhi trained his cadre in non-violence. In September 1906, Gandhi organized his first Satyagraha to protest against the Asiatic Ordinance that was constituted against the local Indians. ये जो बात हो रही है, ये युवा जो समझ रहा है, परिस्थिति को समझ रहा है, उस परिस्थिति को वो अपने समाज को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें अपने चरित्र को लेकर के वो बहुत सजाग है। तो गांधी की जो दक्षिण अफ्रीका तक की जो कहानी है या जो उसका सफ़र है, उसमें एक बहुत ही मजबूत चरित्र निकल करके आता है, जो एक डरपोक किस्म का मोहन, जो अंधेरे से घबराता था, शादी के बाद भी घबराता था, अपनी पत्नी कस्तूर से कहता था कि तू जाकर के बत्ती जला, फिर उसके बाद मैं कमरे में आता हूँ, ऐसा लड़ने मतलब ऐसा भीरू डरपोक किस्म का जो मोहन है, वो अपने आप से मुखातिब होकर के अपने चरित्र का इतना मजबूत निर्माण करता है कि वो सारी दुनिया की, जिसको कहते थे कि जिसके ऐसा इम्पीरियलिज्म whose sun never sets, उसके सामने ये दुबला पतला आदमी जो खड़ा हो जाता है, तो ये सारा जो अभय और निडरता है, इस निडरता का संदेश वो पहले अपने आप में उस निडरता को पैदा करता है, उसके बाद इस निडरता का संदेश वो सबको देता है। It was Gandhi's strength of character that inspired millions of Indians to challenge the might of the British Empire. It all started with Swadeshi becoming a significant instrument of social change. Khadi and Swadeshi were not merely a political tool. They were also tools of rejuvenating the traditional Indian economy, which was the reason why the West was attracted to India in the first place, and which they saw as a threat to their ability to rule, and so they destroyed. You know, Swadeshi on its own could not have been sustainable unless there was
a backbone of Swadeshi produce. It was a prideful statement of made in India, made by Indians, and consumed by Indians. In 1930, Gandhi led a major non-violent protest, the Salt Satyagraha. Hundreds of people joined him. Gandhi and his followers produced salt along the shores, thereby breaking the law. Khadi continues to remain a symbol of empowerment for the poor. It was Gandhi's relentless persuasion of truth that makes Gandhian philosophy relevant to our time and age and attracts many to places like Sevagram. To strengthen human character, Gandhi formulated an education system at Sevagram called Nai Talim. उनके दिमाग में जो ग्राम स्वराज के तहत जो शिक्षा का खाका था, जबकि आज जो शिक्षा का खाका है वो मैकले का है और वो इंग्रज था जो उसने खाका रखा हुआ है. आज जो पढ़ाई का जो खाका है, सिलेबस जो है वो मैकले का है. तो ये पढ़ाई अपने भारतीय बच्चों के हिसाब से या भारतीय जनजीवन के हिसाब से अच्छी नहीं है करके गांधी जी के ग्राम स्वराज संकल्पना के अनुसार जो पढ़ाई उनको अभिप्रेत थी वो पढ़ाई का एक खाका उन्होंने कच्चा ढांचा उनके सामने रखा. फिर उस पर से आर्य नायकम जी ने और उनकी पत्नी आशा देवी ने ये जो नई तालीम का खाका बनाया, सिलेबस बनाया कि वो शिक्षा के साथ साथ वो बच्चे को उसके ज़िंदगी में जीवन व्यापन के लिए जो शिक्षा की ज़रूरत है वो विषय उन्होंने उसमें रखे और वो विषय यहाँ पढ़ाए जाते हैं हमारे नई तालीम में. Prashant, a young man, is intrigued by Gandhian philosophy and often visits Sevagram. मैं समझना चाहता हूँ बेसिकली जो मैंने गांधी जी के बारे में पढ़ा बहुत है. हम सिलेबस में पढ़ते हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन गांधी फिलोसफी ऐसी है जो पढ़ने से आपको नहीं समझ पाते, आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है. तो विदर्भ जो रीजन है यहाँ पे, यहाँ से कुछ दो तीन लोग यहाँ से निकले जो विदर्भ में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. एक बाबा आमटे का नाम आपने सुना होगा, उसके बाद डॉक्टर अभय बंग है, उसके बाद प्रकाश आमटे है. ये लोग नई तालीम में तैयार हुए जो गांधी जी ने एक इनफॉर्मल एजुकेशन का उनका कंसेप्ट था जो नई तालीम यहाँ पे है, वहीं से इनका फाउंडेशन हुआ. और वो लोग अभी जो रिमोट एरिया है जो विदर्भ का, महाराष्ट्र का जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे वो लोग हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं. Search is a community health center established in some of the most underdeveloped districts of Gadchiroli. They work in 150 villages and provide community health care and research. Dr. Abhay Bang, who received his basic education in Nai Talim, is the founder of Search. Gandhi ji ne usi Sevagram mein ek nayi tarah ki shiksha ka prayog shuru kiya tha. Us shiksha ko unhone naam diya tha Nai Talim. To jeevan jiyo, jeevan ke apne kartavya karo aur wo karte karte dimag ka bhi vikas karo to shiksha ho jayegi. Ye Nai Talim ka shastra tha. मैं जब आठवीं में था तो मुझे एक खेती का प्लॉट दिया गया. कहा गया कि किसान जैसे खेती करता है, तुम ये खेती का प्लॉट करो और उसमें से सीखो. तो अब खेती के प्लॉट में क्या बोया जाए, तो मैंने बैंगन बोया. मेरे बैंगन के पेड़ बढ़ नहीं रहे थे तो शिक्षक को पूछा, तो उन्होंने कहा वनस्पति शास्त्र पढ़ो. तो पढ़ा तो पेड़ बढ़ने के लिए
नाइट्रोजन लगता है, तो फिर से नाइट्रोजन कहाँ होता है? उन्होंने कहा रसायन शास्त्र पढ़ो। वो पढ़ा तो पता चला नाइट्रोजन यूरिन में होता है, तो पड़ोस में गौशाला थी, तो गौशाला से मैं भर भर के बकेट भर भर के ला के इस बैंगन के मेरे पेड़ों को देता था। एक बैंगन मेरा 2.25 किलो का निकला, तो उसके मार्केटिंग भी, बाद में रसोई में उसकी कुकिंग, खेती करते करते जैसे मैं सब कुछ सीख गया। मेरे माँ पिता दोनों विनोबाई जी के सहयोगी थे, तो कई बार तो मैंने विनोबाई जी की उंगली पकड़ के मैं महीनों घूमा हूँ भूदान पद यात्रा में, लेकिन कई बार तो अलग से छोटी छोटी टोली बना के हम देहातों में जाते थे, गांव के लोगों की सभा आयोजित करते थे, किसी किसान के यहाँ रुक के थोड़ी सी रूखी सूखी रोटी खाते थे, और बड़े लोग ज़मीन मांगते थे कि जो गाँव में गरीब है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसकी जीविका के लिए जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो दे। आज तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, शहरों में एक एक स्क्वायर मीटर के लिए लड़ाई होती है, और उस समय लोग एकड़ों ज़मीन दान दे देते थे समाज में समता स्थापित हो। इसलिए मैंने ऐसे तय किया कि मैं जीवन में देहातों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए काम करूँगा। तो हमने अपने लिए मिशन बनाया आरोग्य स्वराज, जहाँ इंसान, परिवार और कम्युनिटी, गांव, ये अपना स्वास्थ्य खुद संभाल सकें, जिसमें डॉक्टर पर निर्भर नहीं, अस्पतालों पर निर्भर नहीं, अपने हाथ में अपना स्वास्थ्य, वो है स्वराज। काम करते समय समय अपने खुद के स्वास्थ्य की ओर, मैं खुद कैसे जी रहा हूँ ये भूल सा गया। हर रोज काम करना था, ज़्यादा काम करना था, और दौड़ धूप करनी थी, खुद का आहार, खुद का व्यायाम, खुद के मन की शांति खो गई। और एक दिन 44 साल की उम्र में यहाँ गढ़चिरौली के जंगल में मुझे अचानक छाती में दर्द हुआ, वो हार्ट अटैक निकला। बड़ा धक्का लगा। मैंने सोचा था जैसे मुझे हार्ट अटैक नहीं, हो तो औरों को होता है, वो जो शहरों में रहते हैं उनको होता है, मैं तो जंगलों में आदिवासी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन शायद जंगलों में आदिवासी की सेवा करते समय भी अपने स्वास्थ्य को भूल गया था। उसकी शिक्षा मिली, सजा मिली, एंजियोप्लास्टी हुई, एंजियोप्लास्टी की टेबल पे ही मेरी हृदय की नलिका फट गई। तो जैसे मौत से सीधे सीधे सामना हुआ, और उस टेबल पे जब मेरी दिल की रक्तवाहिनी फट गई, और मैंने सोचा अब तो अगले क्षण में नहीं रहूँगा, जो बस इस ज़िंदगी का आखिरी क्षण है। और उस समय अचानक गांधी के आश्रम में सुबह जो प्रार्थना कहते थे, ईशावास्य उपनिषद, अचानक बिना मांगे जैसे कोई अमृत की धारा बहती है वैसे अचानक वो मंत्र मेरे मन में उमड़ा, और मौत का डर चला गया। जहाँ मेरा बचपन गुजरा था उस गांधी के ओर लौटने की बड़ी तीव्र आकांक्षा हुई, तो खोजते खोजते फिर से वापस गांधी के उसी आश्रम में पहुँचा, बापू कुटी में पहुँचा जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, और वहाँ बापू कुटी के बाहर बैठ के आंखें मूंद के बैठा था। मन के मन में मैंने गांधी को सवाल पूछा कि बापू, मैं फिर से स्वस्थ कैसे होऊंगा या नहीं होऊंगा? अब ये मन का खेल कहिए या तीव्र इच्छा का परिणाम कहिए, लेकिन ऐसे लगा मुझे जैसे बापू खुद उस कुटी में से मुझे कह रहे हैं कि तुम दुरुस्त हो जाओगे, अपना स्वास्थ्य संभालो, तुम इससे ठीक हो जाओगे, तुम्हारे हाथों बहुत कुछ अभी होना है। Gandhian philosophy helps us understand the true meaning of life and liberates us of our fears. To take the message of Gandhi forward, Vigyan Ashram was established in 1983 in the village of Babar.
it can be referred to as Nai Talim 2.0. It adapted the sense of Nai Talim and revamped it in present context. जो गांधी जी ने सेल्फ सफिशिएंट विलेज की कल्पना की थी वो अभी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल फैब्रिकेशन ये रियलिटी हो सकता है. हमारे पास एग्रीकल्चर है, हम हमारा फूड खुद ग्रो करते हैं. हमारे पास एनर्जी है, हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ जनरेट कर सकते हैं. हमारे पास सोलर एनर्जी है, बायोमास है. सो एनर्जी में हम सेल्फ सफिशिएंटी पा सकते हैं. पानी में विद द वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम से हम पानी में सेल्फ सफिशिएंसी ला सकते हैं. और अभी हमारे पास इंटरनेट है तो इंटरनेट के माध्यम से हम बैंकिंग से लेके पूरे दुनिया का नॉलेज जो है हमें मिल रहा है, सब सर्विसेज हमें मिल रही है. लेकिन अभी फैबलैब के माध्यम से अभी ऐसे टूल्स अवेलेबल है जैसे 3D प्रिंटर है, लेज़र कटिंग मशीन है, प्लाज्मा कटिंग मशीन है. और ये मशीन अभी बहुत कम लागत में हम यूज़ कर सकते हैं, हम परचेस कर सकते हैं. जैसे हमारे विज्ञान आश्रम में ये टूल्स हैं और इस टूल के माध्यम से हम इंटरनेट से हमें जो भी कुछ चीज़ चाहिए उसको हम डाउनलोड करके उसको हमारे मशीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं. तो दुनिया भर का ज्ञान तो हम लेंगे लेकिन हमारा लोकल रिसोर्सेस, लोकल मटेरियल यूज़ करके हमारे गांव में उस चीज़ का उत्पादन होना संभव है. नमस्कार, मेरा नाम प्रसाद पाटिल है और मैं विज्ञानाश्रम में प्लास्टिक से जो फेंका हुआ प्लास्टिक होता है उससे फ्यूल निकालने के टेक्निक में मैं काम करता हूँ. इस तरीके के क्रूड ऑयल जैसा हम उससे मैटर निकालते हैं और ये हम जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आसान एप्लीकेशन वाइज अगर हम ट्रैक्टर में और अगर जेनसेट में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना पड़ता है. तो वही हम इस लैब में वही प्रोसेस करते हैं और उससे हम जो क्रूड ऑयल काला दिखने वाला ऑयल है उससे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करके प्योर फॉर्म में ऑयल मिल जाता है. Thanks to this education system, students in rural areas are developing a scientific bent of mind, making a difference to the local community. The magic of the Gandhian ideology and its application is that it can be altered to suit every need. The American civil rights movement was inspired by Gandhian philosophy of non-violence. Some years ago, when I first studied the Gandhian philosophy and the method of nonviolent resistance, I came to the conclusion that it was the most potent weapon available to oppress people in their struggle for freedom and human dignity. And I would say that this overall direct action movement with its sit-ins and its stand-ins, its wait-ins, its kneel-ins, its mass marches and pilgrimages and all of the other elements that enter the struggle have been patterned a great deal after Gandhi. Martin Luther King used it for his civil rights movement in the US. Nelson Mandela used it for the freedom movement in South Africa. Nelson Mandela started off with the ideology that only violence could bring about freedom.
in South Africa and then turned to the Gandhian ideology of non-violence and succeeded with it. India's link with South Africa in respect of the liberation struggle thus goes back to the days of this great man, Mahatma Gandhi. If you look at the Arab Spring, you know, some years back, the Arab Spring was the huge big thing. When people walked into Tahrir Square in Egypt, the first poster up in Tahrir Square was Gandhi. During the first Gulf War, when the Million Man March happened in Washington, most of the people were carrying posters of Gandhi. Recently, when you know, massive demonstrations against Brexit happened in England, most of the people who marched in the in that demonstration found their way to one of the two statues of Bapu in London, either at Tavistock Square or the one at Parliament Square. So even Lech Walesa, who led the solidarity movement for freedom in Poland, was inspired by Bapu, and they adopted the non-violent passive resistance tactics of the Indian freedom movement. आज भी UNO क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इतनी सारी लड़ाइयों के बाद 2007 में UN तो हमको यही संदेशा दे रहा है कि गांधी जो है वो जिस अहिंसा की बात कर रहे थे उस अहिंसा के सिवाय हमारे पास दुनिया में शांति लाने का और कोई तरीका नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि गांधी उस समय ये जो बात कह रहा था उस समय ये कह रहा था कि समस्या जो है जिसको आप आधुनिक समाज कह रहे हो उसकी जो भौतिकता में जितना विश्वास है उससे कम करके आत्मबल से अहिंसा से हम अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं. मेरी भौतिक ज़रूरतें कम हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरी प्रकृति से मांग कम हो जाती है. प्रकृति से शोषण करना वो मेरा कम हो जाएगा. तो आज की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी जो है वो गांधी की इस बात से समझ लेना पड़ेगा कि किस तरह से हम व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए उसके चरित्र के निर्माण की बात करेंगे तो हम अपनी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति को भी सुधार देंगे. आइंस्टाइन ने एक बड़ा सुंदर कहा है कि इंसान वैसे तो पूरे विश्व का ही एक हिस्सा है लेकिन उसका ये जो मेरापन है वो बीच में दीवार खड़ा करता है और इस मेरापन की दीवार को तोड़ देना, उस अंतर को बुझा देना और पूरे विश्व के साथ एक रूपता महसूस करना, यही सत्य है. ये तो एक वैज्ञानिक कह रहे हैं लेकिन भारत की जो अद्वैत फिलॉसफी है, अद्वैत तत्व ज्ञान है, जिसमें गांधी भी मानते थे, विनोबा भी मानते थे और ईशावास्य उपनिषद में जो श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वम्, यहाँ जो जो कुछ है उसमें हर चीज़ में ईश्वर का निवास है, तो फिर मैं तो अलग से कुछ हूँ ही नहीं. मैं ये भ्रम है, विश्व ये वास्तव है और उस पूरे विश्व के साथ मैं एक रूपता महसूस करूं, यही मुक्ति है. तो मेरी मुक्ति नहीं होती है, मैं से मुक्ति होती है. गांधी वॉज द चेंज दैट ही वॉन्टेड टू सी. इट वॉज हिज इनवर्ड जर्नी दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिम. He saw the oneness of self with the universe and gave humanity the precious gift of non-violence that has and continues to give hope to mankind at the time of crisis.